तो मूवी की शुरुआत होती है लंबी जुल्फों वाले राइन से, जिसको एक छोटी मोटी गलती के चलते 6 महीने के लिए जेल में लाया गया। जेल में राइन का फोटोशूट करके गार्ड उसे उसका नया कमरा दिखाने लाया, जहां राइन का सेलमेट टॉम उसे देखते ही ऐसे डर गया जैसे उसने मेकअप के साथ रानू मॉन्डल को देख लिया हो। खैर, अगले दिन राइन बाबा से बाबू बनकर जेल को एनालाइज करने लगा। तब उसे पता चला कि कल टॉम इसलिए डर रहा था क्योंकि जेल में डेव नाम का एक कैदी अपने दोस्तों के साथ मिलकर टॉम के साथ कुछ कुकर्म करता है। ये देखकर राइन यहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर इस चेस गेम पर गई, जिसको ब्रैंडन नाम का वेपन डीलर खेल रहा था। राइन ने मौका देखकर ब्रैंडन को चेकमेट करने की एक दो चाल बताई, जिससे कि राइन ब्रैंडन की नजरों में आ गया। उसी रात टॉम सेल में एक चाकू की धार तेज करने लगा कि अगर अब उस डेव के साथियों ने मुझे हाथ भी लगाया तो उन्हें वहीं काट दूंगा। लेकिन तब भी अगले दिन डेव और उसके साथी टॉम का फायदा उठाने आते कि उससे पहले ही राइन ने टॉम से लड़ाई कर ली, ताकि यहाँ गार्ड्स आकर उन्हें सॉलिटरी में बंद कर दे, जिसमें कि उसका प्लान सफल हुआ। ये सब देखकर ब्रैंडन काफी इंप्रेस हुआ कि भले ये है लपूसा लेकिन दिमाग तेज है। अगले दिन राइन के सॉलिटरी से बाहर आते ही ब्रैंडन उसे समझाने लगा कि देख भाई, यहाँ बेमतलब में किसी की पड़ी लकड़ी मत ले, वरना वो लकड़ी फिर तुझे ही दिक्कत देगी। तभी राइन ने देखा कि डेव के साथी अभी भी टॉम को परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते उस रात ही टॉम ने अपने सेल में सुसाइड कर ली। अब टॉम के मरते ही डेव राइन के पीछे पड़ गया कि चल वो नहीं तो तू ही सही। इसलिए डेव और उसके साथी मिलकर राइन का पीछा करने लगे, लेकिन इतने में यहाँ ब्रैंडन के एक साथी ने आकर राइन को बचा लिया। तब ब्रैंडन राइन से बोला कि तुम्हें क्या लगता है कैसे बचाओगे खुद को इस नरक में। फिर ब्रैंडन ने उसे ऑफर किया कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ जेल में बचाने का पूरा इंतजाम करूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें बाहर जाकर मेरे लिए काम करना होगा। ये सुनकर राइन कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने ब्रैंडन का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद ही ब्रैंडन के साथियों ने डेव का वहीं खेला कर दिया। अब कहानी 6 महीने आगे आई, जहां राइन की सजा पूरी होते ही वो जेल से बाहर आ गया। यहां से निकलकर वो सीधा ब्रैंडन के बताए एक एड्रेस पर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात इस क्राइम लॉर्ड सैम से हुई, जिसे राइन ने ब्रैंडन से मिला एक लेटर दे दिया। लेटर देखकर सैम ने ऑर्डर किया कि भाई को ब्रीफकेस दिया जाए, साथ ही राइन को रहने के लिए एक बड़ा अपार्टमेंट भी दिया गया। अपार्टमेंट की हरियाली देखने के बाद राइन ने वो सूटकेस खोला तो देखा कि उसमें कई सारे फेक पासपोर्ट और एक गन भी थी। तभी उसके अपार्टमेंट में ये ताशा नाम की लड़की भी आई, जिसके वॉशरूम में जाते ही राइन घर को ऐसे चमकाने लगा जैसे कोई अमीर रिश्तेदार आ गया हो। खैर, कुछ भी हो, ताशा को देखते ही राइन का दिल गार्डन गार्डन हो गया, लेकिन ताशा तो उसे कुछ पैसे और एक फोन देकर यहाँ से चलती बनी। अगले दिन सैम ने राइन को एक विल्सन नाम के आदमी के पास भेजा। विल्सन ने राइन की टॉप शॉप करा के उसकी शूटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी, ताकि राइन पुलिस की जगह ब्रैंडन को ही ना शूट कर दे। अब अपनी शूटिंग प्रैक्टिस खत्म करके राइन एक हेलीकॉप्टर कंपनी के पास इस शहर का टूर करने पहुंचा, लेकिन असल में उसे वो टूर शहर का नहीं बल्कि जेल का करना था। यहाँ जेल में भी ब्रैंडन ने पूरी तैयारी करते हुए एक ऑफिसर को होस्टेज बना लिया, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ यार्ड एरिया की तरफ जाने लगा। तभी यहाँ यार्ड एरिया में राइन उस हेलीकॉप्टर को लेकर पहुंच गया। उसने पुलिस पर थोड़ी आतिशबाजी भी करी ताकि उनकी बारात काफी आराम से निकल जाए। जेल से निकलते ही कुछ दूर ट्रैवल करते ही इन्होंने रास्ते में एक कार पकड़ी और उसी कार से सैम के कोठी बंगले में पहुंच गए। सैम ने भी ब्रैंडन को देखते ही उसे खट्टी टॉफी खिलाई कि मुबारक हो भाई, आखिर जेल से भाग ही आए। खैर, अब तुम आ ही गए हो तो फिर अब हम सबसे बड़ी सोने की चोरी को अंजाम देंगे, जिससे कि हम अरब नहीं बल्कि खरबपति बन जाएंगे। उसी रात इन सबकी एक पार्टी शुरू हुई, जिसमें राइन ताशा का पीछा करते हुए स्विमिंग पूल तक पहुंच गया। वो ताशा से कुछ बात करता कि तभी वहां सैम के भतीजे जॉश ने आकर मजाक में राइन को स्विमिंग पूल की सैर करा दी। तब हमें पता चला कि राइन को तैरना नहीं आता, इसलिए तभी ताशा रानी रियान को बचाते हुए पानी से निकाल लाई। पानी से बाहर आकर रियान ने अपना बदला लेना तो चाहा, लेकिन भाई अब बेइज्जती हो चुकी तो हो चुकी, इसलिए अब बेचारा रियान ताशा के सामने अपनी बेइज्जती करा के यहाँ से चला गया।
लेकिन तभी उसके पास ताशा पहुंच गई, जो उसे अपने साथ फ्राइड मोमोज खिलाने के रेस्टोरेंट में ले आई। तब राइन ने उससे पूछा कि क्या तुम सैम की बंदी हो, लेकिन ताशा ने मना कर दिया कि नहीं, मेरा उस झिंगुर जैसे सैम से कोई रिलेशनशिप नहीं है। साथ ही उसने बताया कि वो तो इस देश में भी इलीगली तौर पर रह रही है। अगली सुबह ब्रैंडन रायन को चमकाने लगा कि बेटा लड़की के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि उसका चक्कर मतलब मौत से टक्कर, इसलिए अपने गोल पर फोकस करो, ना कि ताशा के, समझ गए ना। अब सारी गेंदबाजी के बाद ये दोनों फैसिलिटी पर पहुंचे, जहां ब्रैंडन ने रायन को काम दिया कि देखो चोरी के वक्त तुम्हें कैसे भी सारे एम्प्लॉयज को रोकना होगा कि वो इमरजेंसी अलार्म ना बजा दे। रायन को उसका काम समझाकर ब्रैंडन एक प्रोफेशनल रेसर को हायर करने पहुंचा, ताकि चोरी के दिन ये लोग वहां से स्पीड में भाग पाए। अब यहां से ये सीधा सैम के घर पहुंचे, जहां इनकी फिर से प्लानिंग शुरू हो गई। लेकिन तभी जॉश और रियान के बीच एक बात को लेकर झगड़ा हो गया। फिर ब्रैंडन ने उन दोनों को छुड़ाकर रायन को बाहर भेज दिया कि जाओ खुद को शांत करो। रायन भी खुद को शांत करने ताशा के पास पहुंचा, जहां ताशा को उसके कुछ कस्टमर परेशान कर रहे थे। रायन ने भी ज्यादा चिंगम बनते हुए उन सबको भगा दिया, लेकिन ऐसा करने से ताशा को उल्टा गुस्सा आ गया कि अगर वो लोग पुलिस के पास गए तो ताशा को उसके देश वापस भेज दिया जाएगा। रायन ने भी बिना गलती के सॉरी बोलकर उसे कॉफी पर चलने के लिए पूछा, लेकिन ताशा बोली कि मुझे अपार्टमेंट के पास मिलना। अब रात को जब रियान अपार्टमेंट के पास पहुंचा तो वहां ताशा पानी में जलपरी बनी हुई थी। तभी रायन भी डरते डरते पानी में पहुंच गया, जहां उसने बताया कि बचपन में मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई थी, जिसके चलते मुझे पानी से डर लगता है। तब ताशा ने रायन को शांत करते हुए उसके साथ डेटा शेयरिंग शुरू कर दी। अब अगली सुबह उसने रायन को बंगाली बाबा का नेकलेस दिया कि तुम्हें ये काली नजर से बचाएगा, लेकिन फिर वो बोली कि हो सकता है मैं गलत हूँ, या मैं सैम के साथ मिलकर तुम्हें ही धोखा दे दूं। तब रायन बोला कि अरे मुझे ना फर्क पड़े, मैं तो खुद अपना हिस्सा लेकर तुम्हारे साथ यहाँ से भाग जाऊंगा। ये सुनकर ताशा को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से सैम किसी का पीछा नहीं छोड़ता। तब भी रायन ने उसे दिलासा दिया कि तुम बस अपना बैग पैक कर लो, चोरी के बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। अब रात को उनका गेम प्लान शुरू हुआ, जिसमें सभी गार्ड्स की ड्रेस और फेक आईडी से फैसिलिटी में घुस गए, जहां ब्रैंडन ने रायन को ऑर्डर दिया कि तुम गोल्ड रूम के वेंटिलेशन में जाकर सारे सिक्योरिटी कैमरा तोड़ देना। यहां ब्रैंडन भी जोश के साथ सिक्योरिटी रूम में पहुंचा, जहां उसने गार्ड को इलेक्ट्रिक शॉक देकर रायन को ऑर्डर दिया कि घेर लो सारे एम्प्लॉयज को। तभी यहां ब्रैंडन की टीम भी आ गई, जिन्होंने सारे गार्ड्स को एक कोने में बिठा दिया। अब ये सभी गोल्ड रूम के सोने को पिघलाने लगे, जिसके बाद ये उस गोल्ड को लेकर बाहर आए, जहां पुलिस भी इनका इंतजार कर रही थी। इन्होंने भी पहले वर्कर होने का नाटक किया और फिर पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ये सभी यहां से अपनी कार लेकर भागने लगे। पुलिस भी इनका पीछा करते हुए इन पर फायरिंग करने लगी, जिससे कि इनके एक साथी स्टेरलो को गोली लग गई। तभी यहां हमारे हैवी ड्राइवर भैया ने आकर पुलिस की गाड़ियों को इधर उधर फेंक दिया, जिससे कि ब्रैंडन और रायन की गाड़ी सेफ्टी के साथ सैम के पास पहुंची, जहां इन्होंने प्लान के हिसाब से वो गोल्ड सैम को दे दिया, क्योंकि सैम उस गोल्ड को बेचकर ब्रैंडन की टीम को उसके हिस्से का पैसे दे देगा। तब रायन ने पूछा कि हमें स्टेरलो का क्या करना है। इस बात का जवाब तो कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर इन्होंने स्टेरलो को पेट्रोल से नहला दिया, जिसके बाद इन्होंने उसे गाड़ी में ही गोस्ट राइडर बना के पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। यहाँ सैम का एक आदमी ताशा के घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि ये तो पैकिंग कर रही है, इसलिए उसे ताशा पर शक हो गया। तभी उसने ताशा को एक चाटा मार के बताया कि अब तू और वो रायन कहीं नहीं जा रहे, जिसके बाद उसने और अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन तब तक ताशा उसके मुंह पर ढेर प्रेस मारकर यहाँ से भाग निकली। यहाँ से निकलते ही उसने रायन को भी बताया कि सैम ने हम सबको धोखा दिया है। यहाँ ब्रैंडन को भी पता चल गया कि उसके अपार्टमेंट को पुलिस ने घेर रखा है, जिसके बाद उसने सैम को फोन किया कि वो कुछ मदद करे, लेकिन सैम ने उसे पहचानने तक से साफ मना कर दिया। अब कोई रास्ता ना मिलने पर ब्रैंडन रायन से बोला कि शायद हमें मेलबोर्न जाना पड़ेगा, जहाँ सैम उस गोल्ड को बेचने वाला था। रायन ने भी तेजी दिखाते हुए उसी ट्रेन में एक और सीट रिजर्व करा दी, किसके लिए, ताशा मैडम के लिए, जिसके साथ वो ट्रेन में डाटा ट्रांसफर भी करने लगा। अगली सुबह तक ये तीनों मेलबोर्न पहुंच गए, जहां ब्रैंडन ने अपने सीक्रेट इन्फॉर्मर से सैम की सीक्रेट मीटिंग के बारे में जानकारी निकलवाई।
जहां वो सोने के बदले पैसे लेने वाला था। उसी दिन उन्होंने अपने होटल में यह न्यूज भी देखी कि पुलिस इस चोरी का सारा इल्जाम रायन और ब्रैंडन पर ही डाल रही है। साथ ही उन्होंने इन दोनों को वांटेड भी घोषित कर दिया है। तभी ब्रैंडन ने ताशा से कहा कि तुम थोड़े पैसे स्टेरलो की वाइफ को भी दे आओ, लेकिन ताशा ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। तभी ब्रैंडन ने इस बात पर ताशा को प्रसाद दिया और अपने प्यार को प्रसाद लेता देख रायन ब्रैंडन पर टूट पड़ा कि हाथ कैसे लगाया। ब्रैंडन ने भी बता दिया कि ऐसे लगाया हाथ, बताओ क्या करे। इतने में ताशा खाने के लिए कुछ लेने बाहर चली गई। तभी उसका पीछा एक आदमी करने लगा और जैसे ही ताशा घर में आई उसने सुना कि ब्रैंडन रायन से कह रहा है कि ताशा को थोड़े पैसे देकर हम लोग गायब हो जाते हैं। ये सुनकर ताशा को गुस्सा आ गया, इसलिए वो यहाँ से भागने लगी। तभी रायन उसे पकड़ने बाहर भागा और बोला कि तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगा, लेकिन ताशा उसकी कोई बात ना सुनते हुए यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ ब्रैंडन को उस आदमी ने गन पॉइंट पर ले लिया जो ताशा का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुका था। असल में सैम का आदमी ब्रैंडन का खेल खत्म करने आया था, लेकिन ब्रैंडन ने उस आदमी को गोल्ड का एक हिस्सा देने के बदले अपनी साइड कर लिया। अगली सुबह ये तीनों उसी मीटिंग की जगह पहुंचे जहां जोश गोल्ड को बेचने वाला था, लेकिन तभी इनके साथी ने आकर एक कार में टक्कर मारी और तभी इन्होंने जोश के आदमियों को मार के उसे किडनैप कर लिया। ब्रैंडन उसे पूछने लगा कि बताओ सोना कहाँ है। जोश बोला खटिया पर। ब्रैंडन ने और प्रसाद दिया कि सही से बता सोना कहाँ है, लेकिन तब भी जोश ने उसे कुछ नहीं बताया। तब ब्रैंडन ने जोश को टॉर्चर करने के लिए उसे बिना कपड़ों के फ्रीजर में बिठा दिया। तब जाकर जोश ने उस सारे गोल्ड की इन्फॉर्मेशन दी, जिसे मिलते ही रायन और ब्रैंडन ने वो गोल्ड अपने हाथों में ले लिया। अब अपने कपड़े लत्ते बदल कर ये सैम के घर पहुंचे, जहां इन्होंने उसे भी 2 मिनट में चटका दिया, जिसके बाद ये दोनों एक बोट लेकर यहाँ से जाने लगे। लेकिन बीच रास्ते में ही ब्रैंडन ने सैम को गन पॉइंट पर ले लिया कि मैं तुम्हें आगे नहीं ले जा पाऊंगा, इसलिए तुम अपने $4,00,000 पकड़ो और यहाँ से निकल लो। तब रायन बोला कि तुम्हारे पास वो $4,00,000 है भी। ये सुनकर ब्रैंडन की हालत पतली हो गई, इसलिए उसने गोल्ड वाला बैग चेक किया तो उसमें से गोल्ड गायब था। अब रायन ने ऑफर किया कि देखो मैं तुम्हें तुम्हारा आधा हिस्सा दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तब हमें पता चला कि असल में ताशा अभी भी रायन के साथ ही है, जिसने रायन के कहने पर ही उस गोल्ड को चुराने में उसकी पूरी मदद करी। ये सब सुनकर ब्रैंडन को काफी गुस्सा आया। तब वो रायन से बोला कि तुम पागल हो जो गोल्ड लेकर भागे नहीं। रायन बोला कि मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर पाता, बाकी तुम्हें तुम्हारा आधा शेयर जरूर मिल जाएगा। ये कहकर वो यहाँ से ताशा के पास पहुंच गया, जहां इन्होंने अपनी सक्सेसफुल चोरी के लिए मुंह मीठा किया। यहाँ जब ब्रैंडन एक लॉन्ड्री में पहुंचा तो एक अनजान औरत उसे पहचान गई, जिसके बाद पुलिस ने आकर ब्रैंडन को दोबारा अरेस्ट कर लिया। लेकिन थोड़े टाइम बाद जेल में ही ब्रैंडन को एक लेटर मिला जिसमें रायन ने उसे उसके हिस्से की लोकेशन और ताशा की एक फोटो भेजी, जिससे हमें पता चला कि फाइनली रायन और ताशा का सारा डेटा ट्रांसफर हो चुका है। और अब आते हैं हमारे शाउटआउट शो में, जहां प्रथम भाई कह रहे हैं कि पिछली वीडियो वाले चैन का चैन चले जाने में किसका हाथ था। तो भाई चैन चले जाने में हाथ तो नहीं, शायद कुछ और ही होगा। लीगा गेमिंग भाई कह रहे हैं कि मैं उर्दू जुबान की गुस्ताखी कर देता हूँ। अरे नहीं भाई यार, ऐसी गुफ्तगू तो होती रहती है। और हमारे एक भाई कह रहे थे कि मैं मूवी एक्सप्लेन कम और रोस्ट ज्यादा करता हूँ। तो भाई अगर आपको मूवी रोस्टिंग देखनी है तो उसके लिए मैं एक और चैनल खोल दूंगा, जहाँ फिर मेरे तरीके से ही मूवी रोस्ट हुआ करेगी, तो एक्सप्लेनेशन और रोस्टिंग दोनों मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर ये चाहिए तो कमेंट सेक्शन भर देना, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अब कहानी और शॉर्ट आउट में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके जरूर जाना, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।